रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अभी अभी पीएम मोदी ने किया देश के पहले स्मार्ट एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। शुरू हुआ रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए देश के पहले स्मार्ट और ग्रीन हाईवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी की दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोड शो भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी का रोड शो दिल्ली स्थित निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू हुआ। यह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लगभग 9 किलोमीटर का पहला चरण है। इस पर 6 किलोमीटर के रोड शो के बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से बागपत जाने भी जाएंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 6 किलोमीटर रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री वहां प्रदर्शनी तथा 3D मॉडल का उद्घाटन करेंगे। वहां से ईपी राष्ट्र को समर्पित करने के लिए बागपत जाएंगे। फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 11वां खिताब अपने नाम करना चाहेंगे नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल। मंत्री ने कहा कि कुल 135 किलोमीटर लंबे ईपी पर 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह देश का पहला हाईवे है जहां सोलर लाइट से सड़क रोशन होगी। इसके अलावा प्रत्येक 500 मीटर पर दोनों तरफ वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होगी। साथ ही इसमें 36 राष्ट्रीय स्मारकों को प्रदर्शित किया जाएगा तथा 40 झरने होंगे। इसे रिकॉर्ड 500 दिनों में पूरा किया गया है।